आज फिर से शादी दिखाने वाली हूँ मैं आपको, और ये है लड़की की शादी। तो ये है भद्रवा की मतलब ट्रेडिशनल शादी, भद्रवा में कैसे शादी होती है। और ये स्टार्ट होगी मेहंदी से, तो अभी दुल्हन आएगी कुछ ही पलों में और मेहंदी शुरू होगी। तो देखते हैं भद्रवाई शादी। दुल्हन आ चुकी है और मेहंदी लगने ही वाली है, पर उससे पहले जो भाभियाँ जो हैं तो वो पांव धोती हैं दुल्हन के। चाचियाँ जो है मेहंदी लेके आई है। नन्ना से मारना क्यों कैसे लगा?
शंचर कर रहा हूँ केतु जो तस्कर दूर देखकर सही पढ़ाई है ब्रह्मा मरारी तो इंतकारी भानु शशि सोम मंगल बुधा गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांताकार बुझे सर्वे ग्रह शांताकार बुझे ने अभी जो है सुबह सुबह शांत शुरू हो गई है। रात को जो मेहंदी लगाई हुई थी रात को तो वो काफी अच्छी मेहंदी लगी हुई है, ये देख सकते हो आप, दूल्हे का नाम भी लिखा है इस पे, बहुत बढ़िया और प्यारी मेहंदी लगी है। और इसके पश्चात अब अंदर पंडित जी ने पढ़ना शुरू कर दिया है और शांत होगी और सब कुछ बारे वगैरह भरेंगे और फिर दुल्हन शाम के लिए तैयार होगी। श्रोतम छंदा कुरुमो देवता आसन शोधन बिना योगा ताले जे दे छतो ताले जे दे छतो तो ताले जे थी प्रेम पेठवा सिद्धा करी संगोली से आकुला प्रेम पेठवा अब जो तेलाई की रस्म शुरू हो गई है और तेलाई जो है मामू तलवार पकड़ के बैठे होते हैं और पहले जो है कंजक द्वारा तेल लगाया जाता है दुल्हन को। ऐसे बारी बारी से जो है सारे रिश्तेदार तेल देंगे लड़की को।
संसनाय बाबा देवाय हम सर्व शत्रु गति अनंतेश्वर देवताया कोरोना का देवता हा या थे इतम छड़ता ना इतर के हटे आवान गिनने थाकनारी हाथ ने ठोका कोई खंड थाना हाथ कोई ये हो गई पूर्ण आहुति। और अब इसके बाद तो अभी लग गई पूर्ण आहुति और इसके पश्चात जो है अभी बारे भरेंगे और जो जो भी कार्यक्रम होगा शादी का वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मु जो है भांजी को कलीरे लगवाता, ये क्या कहते हैं चूड़ा लगवाता है और कलीरे भी। अभी जो महिलाएं हवन प्रवाह के लिए जा रही हैं, सारी जो शांत का हवन होता है उसको प्रवाह करते हैं अभी। तो है सात सुहागनों को पूजा जा रहा है। जो है दरिया बनना शुरू हो गया है, देख सकते हो आप। अभी तो रात का समय है, बारात भी पहुंची गई है, आप सुन सकते हो पटाखों का शोर और पूरी रात विवाह चलेगा। तो आगे का विवाह मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बैठी है दुल्हन तैयार। हो गई है द्वार पूजा।
जैसे कि आप देख सकते हो कन्यादान हो रहा है और कन्या जो है पापा की गोद में है। इसके पश्चात जो है सामान खोल के दिखाया जाता है कि दुल्हन के लिए दूल्हे वालों की ओर से क्या क्या सामान लाया गया है। बहन जो है ये गठबंधन कर रही है जो माता पिता सारे रिश्तेदार जो दूल्हे दुल्हन के चरण स्पर्श करते हैं और चरण पखारते हैं क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी का रूप माना जाता है दूल्हे दुल्हन को, तो ये हमारी परंपरा है। हाथ फेरे हो चुके हैं और अब ये जो गठबंधन बहन खोलेगी और कुछ शगुन लेके खोलेगी। दुल्हन जो आक्रोश देती है ससुर के गोद में डालती है, ये भी एक परंपरा है। पहले पद में कन्या कहती है हे वर घर में जितना धन धन्य और मधुर पदार्थ भोजन वस्तु की सोचे आज तक इसी जगह पे दो दौर दो ना अपना अपना मुंह देखते थे शीशे में। तथा ताऊ भाव भीतरी तथा ताऊ भाव भीतरी ठाकर उसने अब पूर्ण आहुति होगी और उसके बाद शादी संपन्न में जो है पंडित जी की पूजा की जाती है दूल्हे द्वारा।
और दक्षिणा भी दी जाती है। तुसी जोड़ी हरी बोल भगवान तुसन दोनों दोनों सुनो सुनो दे हां ईशिया आशीर्वाद है दोनों दोनों सुनो बस जोड़े सड़े जोड़ा। और जो है दुल्हन तैयार बैठी है। अब जो लड़की के रिश्तेदार और सारे हैं वो दूल्हे को जो है तमोल देते हैं, तो अब वो तमोल दे रहे हैं और तुरंत बाद जो है विदाई होगी। इसी के साथ हमारी भद्रवाही शादी होती है, दी एंड।